जो महिला है वो संदिग्ध हालात में और अर्धनग्न अवस्था में जो है उसकी डेड बॉडी अप्रोच रोड में रेन शेल्टर के पास जो है वो पड़ी हुई है। तो उस सूचना के आधार पर हमारी पुलिस ने प्रोएक्टिवली काम करते हुए मौके पे सारी कार्रवाई अमल में लाई और इस दौरान हमने अपने इस बारे में जो था अपने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी डिस्कस किया, तो उन्होंने भी तुरंत एक्शन लेते हुए इसमें जो था वो फोरेंसिक की टीम को मौका के लिए रवाना किया। फोरेंसिक की टीम के पहुंचने से पहले मैं स्वयं भी मौका पे आ गया था। हमने सारे हालात तस्दीक किए और प्रथम दृष्टया जो था ये मामला हमारे को हत्या का लगा, तो जिस पर पुलिस थाना दीनानगर में जो था वो धारा 302 IPC के अंतर्गत जो था ये मुकदमा दर्ज किया गया। और इस मुकदमे की तफ्तीश को हमने बहुत गहन तरीके से किया क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर था, क्योंकि महिला जो थी वो अर्धनग्न अवस्था में थी। तो इस मामले की गहनता और गंभीरता को देखते हुए हमने जो था वो हर बारीकी पहलू पर जो था अपना अन्वेषण जो अमल में लाया और इसमें कुछ CCTV फुटेज की भी हमने हेल्प ली और काफ़ी स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की। और जो हमारे अपने सोर्स और इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो भी हमने इकट्ठी करी, तो उसके आधार पर जो था वो हमने एक्यूज लोग जो थे वो आइडेंटिफाई किए। इसके पहले जब फोरेंसिक टीम ने सारी कार्रवाई मौका की कर ली थी तो हमने जो महिला थी उसकी डेड बॉडी को उसके पोस्टमार्टम के लिए जो था वो हमने नेहर चौक में रवाना कर दिया था और वहाँ भी एक्सपर्ट की टीम जो थी उनके थ्रू जो था वो हमने इसका पोस्टमार्टम कंडक्ट करवाया है। और जो भौतिक साक्ष्य हमें मौका पर मिले हैं और जो बिसरा लेडीज़ का और पहने हुए कपड़े वगैरह वो भी हमने कब्जा में ले लिए हैं, उनको आगे फोरेंसिक जाँच के लिए भेजा जा रहा है। जहाँ तक आरोपियों की बात है इसमें हमने तुरंत धरपकड़ करते हुए 3 मुख्य आरोपी जो थे वो इसमें हमने अरेस्ट कर लिए हैं। तो इसमें एक सनी कुमार उर्फ बीजू ये झिमझिमा का रहने वाला है, इसमें दूसरा आरोपी राकेश कुमार सन ऑफ मंगल सिंह ये भी गांव झिमझिमा का रहने वाला है, राकेश कुमार सन ऑफ मंगल सिंह, और तीसरा आरोपी इसमें शिवम कुमार उर्फ अक्षय सन ऑफ रमन कुमार ये बेसिकली भवारना की तरफ का रहने वाला है लेकिन काफ़ी टाइम से ये लोग चौंतड़ा में सेटल्ड हैं। तो ये 3 आरोपी जो है इसमें हमने 24 घंटे के भीतर जो है इसमें हमने इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। और इसके अतिरिक्त जो था वो इसमें हम इनसे गहन पूछताछ कर रहे हैं कि इन्होंने ये हत्या जो थी वो क्यों की। तो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये आया है कि ये लोग जो थे वो सरका घाट की तरफ से काम करके आ रहे थे और ये एक पिकअप गाड़ी में आ रहे थे, तो इन्होंने शराब नशा जो था वो कर रखा हुआ था। जब ये अप्रोच रोड के पास वहाँ रुके तो ये महिला भी वहाँ पे इत्तफाकन वहाँ पे घूम रही थी और महिला ने भी जो है शराब का नशा कर रखा था। तो ये तीनों आरोपी और ये इनके साथ 2 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं, तो ये महिला के साथ वहाँ पे मिले और रेन सेंटर के अंदर ही इन्होंने कुछ ड्रिंक भी किया और ड्रिंक करने के बाद जो था वो वहाँ पर इनका स्कफल भी हुआ है। और स्कफल होने के बाद जो था वो ये जो आरोपी हैं इन्होंने उसके साथ उस महिला के साथ सेक्सुअली असोल्ट भी उसके साथ किया है मिलके। तो उस एंगल पे भी हम लोग जो है वो आगे इन्वेस्टिगेशन में फर्दर इसमें जो सेक्शंस हैं जो भी धाराएं इसमें अट्रैक्ट होंगी उनको ऐड ऑन कर रहे हैं। तो ये जो मृतका है इसका नाम सत्या देवी है, वाइफ ऑफ खेम सिंह, विलेज छू, पोस्ट ऑफिस लांगना, तहसील जोगिंद्रनगर। इसकी उम्र जो थी वो करीब 55 साल है। तो इस मामले को जो था वो हमने बाद से जो है कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया। सर ये जो सेक्सुअल असॉल्ट एक आपत्तिजनक चीज़ें भी हैं तो वो भी हमने कब्जे में ली हैं और उनको अभी फोरेंसिक जांच करवाई जाए। बता देना चाहता हूँ कि इन अभियुक्तों ने जो है उसकी गला घोंटकर दुपट्टे से गला घोंटकर जो है मृत्यु करी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।